मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज आप पार्ट नंबर 6 बाबा बुड्ढा जी करांगे, जिदे की राइटर ने प्रोफेसर जगदीश सिंह। जगदीश सिंह ने बेटा पंजाबी साहित्य में बहुत सारिया रचनावां दित्तियां ने अपनी लिख के, ते उन्होंने तुहाडी बुक के विच बाबा बुड्ढा जी की जीवन बारे बहुत सोहना लेख लिखिया। तो बेटा जिहड़े बाबा बुड्ढा जी सी उन्होंने बचपन का नाम से बुढ़ा, ठीक है। उन्होंने जन्म 22 अक्टूबर 1506 ईस्वी के होया सी। उन्होंने जोड़ा पिंड से कत्थू नंगल, जोड़ा कि जिला अमृतसर के है। जेकर बेटा आप बिक्रमी संबंध की गल करिए, उन्होंने जोड़ा जन्म टाइम से 7 कत्तक, कत्तक जिन्हों आप कत्ता कहने 1563 ईस्वी होया। जोड़ा बेटा बाबा बुड्ढा जी से उन्होंने बचपन का नाम बूढ़ा सी, उन्होंने पिता का नाम सुगा रंधावा, माता का नाम गौरा सी। जेडे बेटा बाबा बुड्ढा जी से वह बचपन के गौं मझा चलाते। एक बार की होया, उन्होंने बेटा पिंड कत्थू नंगल विच गुरु नानक देव जी ने बेटा अपना डेरा लाया होया सी। ते जेडे बाबा बुड्ढा जी से उन्होंने हमेशा मौत का डर लग्या रहिंदा सी। ओह बेटा जदों मझा चलाते तो उन्होंने खूह के पानी की टिंडा होंदिया सी। अगे बेटा खूह के पानी जदों आपां बाहर कढ़दे सी ना, आपां टिंडा दे विच खूह दे विचों पानी बाहर आउंदा हुंदा सी। ते बाबा बुड़ा जी ने की कीता, खूह दे विचों पानी दी टिंड लई। ते इक बेटा उह जदों गौआं मझां चराउंदे सी, इक टिंड दे विच उहनां ने दुध पा लिया, ते इक दे विच पानी, जिहड़े कि उह गुरु नानक देव जी कोल लै के पहुंचे सी। ते गुरु नानक देव जी नूं जदों उहनां ने पेश कीता तां उहनां ने कहा कि तूं बड़ा उदास दिस रहे आ, तूं भी अपने फेस तो बिचों भी तेरा जिहड़ा मन आ वह मैनू शांत नहीं लग रहा। गुरु नानक देव जी ने जदों बाबा बुड्ढा जी ने पूछया, वह कहिंदा भी बाबा जी मैनू हर टाइम ना मौत का खौफ रहिंदा, भी मैनू बहुत डर लगता मौत तो। ते गुरु नानक देव जी कहिंदे भी हजे तो तू बालक आ, बट तू गल्लां एडियां वड्डियां वड्डियां करदा, भी तैनू तो हजे यह भी नहीं पता होना चाहिए भी मौत कहिंदे किनू ने, बट तू इन्नी छोटी उम्र के मौत दीआं गल्लां करदा, तू तो बजुर्ग वालीआं वड्डिआं वालीआं गल्लां करदा। इसलिए बेटा गुरु नानक देव जी ने उन्हां दा नाम बाबा बुड्ढा जी रख दिता सी। इस तो बाद बेटा वह गुरु नानक देव जी उन्हां नूं पुछण लग गए कि भी तुहानूं मौत तो क्यों डर लगता रहिंदा। वह दसण लग गए बाबा बुड्ढा जी, कहिंदे भी एक बार ना मेरे माता ने चुल्हे दे विच उह अग बालदे सी, उन्होंने पहला छोटियां लकड़ां नूं जलाया, तो उस तो बाद उन्होंने बड़िया लकड़ां नूं जलाना शुरू किया। वह कहिंदा फिर मैं सोचा भी जेकर छोटियां लकड़ां पहला जलिया ने बड़िया बाद चो, भी फिर मैनू तो ऐ लगता जिवें मैनू तो मौत होनी आजूगी, भी हजे तो मैं छोटा। तो वह कहिंदा भी गुरु नानक देव जी मुस्कुराउण लग गए इस गल नाल। तो वह कहिंदा भी दूजी घटना मेरे जिंदगी दे विच ये वापरी, भी साढ़े पिंड दे विच एक बार शाहूकारां जिन्हां दे लोग कर्ज उतारदे सी, भी उन्हां दा दल आया एक बार घोड़सवार घोड़ियां लै के अपने, तो उन्होंने किसी जिमीदार के ना खेत विच्चों भी कच्ची फसल जिहड़ी उह वढ लई सी। पुराने समयां दे विच की हुंदा सी बेटा, जे आपां शाहूकारां तों करजा लैंदे सी जां कुछ भी लैंदे सी, जेकर आपां उहनां नूं टाइम ते अपनी जिहड़ी रकम नहीं दिंदे सी वापस जिहड़ी उहनां तों लई हुंदी आ, तां उह की करदे सी, उह जिमीदारां दे लोकां दी जिहड़ी फसल आ उह वढ के लै जांदे सी। कहिंदे इस तरह होया, उह जिमीदार तों उहदे पैसे वापस नहीं कीते गए, तो उन्हें उहदी कच्ची फसल वढ के लै गए। वह कहिंदे भी जदों बेटा शाहूकार फसल वढ के लै जांदे सी, तो बाबा बुड्ढा जी नूं इस घटना तों भी एवें लग्या भी जिवें कच्ची फसल पहलां वढी गई ते हजे उह पक्की भी नहीं सी, भी उस तरह मेरी जिंदगी आ, भी जिवें मैनू मौत पहला आ जूगी। उन्होंने हमेशा मौत का ही डर रहिंदा सी। ते इस एक बार बेटा जिहड़े गुरु अर्जन देव जी आ, उन्होंने पत्नी गंगा जी, माता गंगा जी, उन्होंने घर बेटा औलाद नहीं सी हुई। ते उन माता गंगा जी ने गुरु अर्जन देव जी नूं कहा कि मैनू एक पुत्र की दात बख्शो। ते गुरु अर्जन देव जी ने बेटा उन्होंने कहा, जे भी तुसीं दात लैनी आ तां बाबा बुड्ढा जी कोल जाओ, उन्हां तों असीस लवो, फिर तुहानूं दात मिलूगी। ते बेटा माता गंगा जी सवेरे उठदे ने, काफ़ी सारा मक्खन लै के रथ दे विच शान शौकत नाल बाबा बुड्ढा जी कोल जांदे ने। उत्थे बेटा जदों बाबा बुड्ढा जी ने उन्हां दे रथ दी धूड़ देखदा भी बाहर कौन आया मेरी कुटिया च मैनूं मिलन, ते उह जो देखदे ने भी माता गंगा जी आई आ,
ਤੇ ਬਟ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚਾਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕੀ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੰਢਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨਣਿਆ ਸੀ, ਗੰਢਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ।